हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है उनकी करंट फीलिंग क्या है आज आपके लिए। तो आज हम ये देखने वाले हैं गाइस, तो चलिए देख लेते हैं उनकी क्या फीलिंग है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है बेसिकली आपको लेके। तो आज हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाली, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उसको एक्सेप्ट करिएगा, और जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं होता है फिर वो किसी और के लिए ये समझ लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है कि सब कुछ आपसे कोरिलेट कर जाए। और मे भी हो सकता है कि बहुत कुछ आपसे कोरिलेट कर जाए, इवन समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कोरिलेट करे। तो जितना भी पार्ट आपसे कोरिलेट करता है गाइस, उसे पूरी पॉजिटिवनेस के साथ में एक्सेप्ट जरूर करिएगा। ओके गाइस, रीडिंग को क्लेम करिएगा अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है। डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें गाइड करिए, मेरे जो ये व्यूवर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है इनको लेके, क्या कुछ उनके दिमाग में इस समय चल रहा है, तो प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ एंजल गाइड करिए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, तो प्लीज़ हमें गाइड करिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमें बताइए इनके पर्सन इनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, वन मोर टाइम गाइस, अगर आपको शफलिंग स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके गाइस, तो चलिए निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड आया गाइस आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल का, द वर्ल्ड। ओके, टेन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ, ओके सॉरी, एम्प्रेस का कार्ड है एंड द डेथ। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स, ओके फाइव ऑफ पेंटिकल एंड वन मोर पेज ऑफ सॉर्ड। ओके गाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वैंड्स का। ओके गाइस, सो गाइस चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइस, मुझे यहाँ पे एक बात गाइस नज़र आ रही है, जैसे कि आप इस रीडिंग पे आए हैं देखने के लिए कि आपके जो पर्सन हैं ये भी क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से गाइज आपके भी पर्सन हैं जो आपके लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लाइक डिसलाइक क्या हैं, क्या आप चाहते हो। आपकी यादों में इस समय ये पर्सन गाइज मुझे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं गाइज, मुझे कुछ इस तरह का यहाँ पर नज़र आ रहा है। और गाइज जैसे कि वैसे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग से चलने वाले हैं, दिमाग से चलने वाले हैं, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ इस टाइप के पर्सन ये मुझे नज़र आ रहे हैं। बट जहाँ बात आपकी आती है तो इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जब इनके ऊपर आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा हावी होती हैं तो सारे काम पीछे रह जाते हैं और सिर्फ आपसे बातें करना या आपकी तरफ आना, आपसे मिलना, बस इनका मेन टारगेट ये होता है। तो फिर इनके ऊपर किसी और चीज़ का बस नहीं चलता, इनके प्लानिंग सब रह जाती है, इनके सारे रूटीन जो इन्होंने बनाया हुआ होता है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है या ये करना है, वो सब धरा का धरा रह जाता है। तो इन पर्सन के ऊपर गाइज आपकी जो एनर्जी है, आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस हैं, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा गाइज हावी हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आपके जो गाइज ये पर्सन हैं ये
कहीं ना कहीं गाइज मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे ये आपको लेके अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे मतलब होता है ना, एक थोड़ा सा प्लानिंग भी होती है कि चलो आज मिलना है तो कैसे मिलना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए या कोई बात नहीं होनी चाहिए, इस तरह से कुछ होता है ना। तो एक मतलब पूरी प्लानिंग क्रिएट हो रही है यहाँ पे, मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस समय आपसे मिलने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इन्हें अपने लिए बेसिकली वो टाइम निकालना पड़ रहा है कि ये आपसे मिल सके, ठीक है। क्योंकि पहले प्लानिंग करने में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग की देखो गाइस फीलिंग आ रही है, ट्रूली मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप एक देखोगे तो ये पर्सन कुछ सेफ्टी लेके चलने वाले पर्सन है, थोड़ा सा प्लानिंग लेके चलने वाले पर्सन है। तो इस तरह के पर्सन है ये कि कोई भी रिस्क वगैरह नहीं जाते इस रिलेशनशिप के अंदर बेसिकली, ठीक है, नहीं किसी की नज़रों में नहीं आए और अपना जो प्यारा सा रिश्ता है ये ऐसे ही चलता रहे। तो इस तरह से मुझे ये नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ये देखो गाइस यहाँ तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है, आप पे विश्वास करते हैं, आप पे भरोसा बहुत ज़्यादा है इन्हें, और इसी भरोसे के बल पर इसे ये रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है ना। इस रिश्ते में बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है गाइस। ये ऊपर ऊपर का कनेक्शन मुझे देखो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा देखते हैं दिल की गहराइयों से आपको प्यार करने वाले पर्सन है, आपको एक्सेप्ट करने वाले पर्सन है, आपके साथ कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ को गाइस डिफाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके साथ में एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप इनकी पूरी एक दुनिया हो, छोटी सी दुनिया, एक प्यारी सी दुनिया जिसमें सारी खुशियाँ हैं, एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए मतलब वो अपनापन है जो आप मतलब किसी और से नहीं कह सकते ना, जो चीज़ें वो आप इन पर्सन से कह सकते हो। तो ये पर्सन भी गाइज इसी तरह की फीलिंग में हैं कि ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना इस समय इनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड गाइज मुझे देखो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जब ये पर्सन आपसे गाइज मिल नहीं पाते हैं, है ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं और मिल नहीं पाते, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन के नज़र आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, कोई परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो ये पर्सन गाइस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इनको लगता है कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है ना तो ज़िंदगी क्या है, क्या कोई ज़िंदगी हो सकती है, नहीं ना। तो इस तरह की डिप्रेशन में भी गाइस बहुत ज़्यादा चले जाते हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं गाइस। ये तो देखो यहाँ पे क्लियर है गाइस, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपसे उम्मीदें भी इनकी बहुत सारी हैं। ये अपनी पूरी लाइफ को अपने साथ आपके साथ में कि डिफाइन कर चुके हैं गाइस, पूरी प्लानिंग इनकी हो चुकी है कि मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ में इनके साथ में करनी है। और जब ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते, आपसे मिल नहीं पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी के अंदर, इस तरह की गाइस ये फीलिंग आती है। लेकिन जब इनके साथ में आपका कनेक्शन हो जाता है दोबारा से, तो ये पर्सन फिर से खुश हो जाते हैं, फिर से इनकी ज़िंदगी जैसे हरी भरी हो जाती है, खुशियाँ लौट आती है, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, मतलब लगता है कि सारी खुशियाँ जमाने की इनकी झोली में आके गिर गई हों। तो इस तरह की मुझे ये गाइस यहाँ फीलिंग नज़र आ रही है। गाइस ये जो पर्सन है ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फील करते हैं आपके लिए, जब ये आपके साथ में गाइस होते हैं और इस समय जैसे ये फीलिंग में भी है, तो इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को एक हैप्पी फील करें। इनको लग रहा है इनकी दुनिया में सब कुछ है, आप हो तो सब कुछ है, सही है। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है गाइस। इस समय आपकी जो एक मेमोरीज़ हैं आप दोनों के साथ में बिताई हुई, तो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ मतलब आपकी तरफ में खींच रही हैं, आप दोनों के दूसरे के साथ में कनेक्शन बहुत ज़्यादा इस समय बिल्ड हो रहा है। कि ये जो पर्सन है ये आपसे कह रहे हैं कि दुख हो सुख हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम सुख में हो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, मुझे तुम्हारे दुख सुख सभी से मतलब है, मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सुख में ही साथ में रहूँ, तुम बस मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में हमेशा रहो, अपना साथ बनाए रखो, तो हम किसी भी परेशानी से किसी भी सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल आएंगे, तुम मेरी दुनिया हो, मेरे लिए सब कुछ हो। तो इस तरह की गाइज मुझे ये फीलिंग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस गाने को जाके गाइज आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा गाना है गाइज, और ये थोड़ा सा चैनल हुआ था तो मैंने आपको यहाँ सुना दिया गाइज। ऑल तो मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, लेकिन आप इस गाने को जाके जब खुद सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, और आपका आपके पास जो इनका मैसेज है वो आपको पता चलेगा ये आपसे कहना क्या चाहते हैं।
ओके गाइस, तो ये जो पर्सन हैं ये जब डिप्रेशन में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो आपको हमेशा अपनी लाइफ मतलब अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उस समय आपके साथ में होना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं गाइस। उस समय ये फिर किसी और के साथ में बात करना इन्हें पसंद नहीं आता है, बस ये चाहते हैं कि आप इनके पास में रहो, इनके इनसे बातें करो, तो इनके जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पर्सन गाइस इस समय देखो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे मिलना इस समय बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इनसे बातें करिए गाइस, ये आपसे बहुत ज़्यादा एगरली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी सिग्नल का, कि आप इन्हें बस मतलब बोल दो कि हाँ ठीक है, आप मुझसे बात करो, मुझे मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके गाइस, सो गाइस देखो यहाँ पे ये कुछ कार्ड और जो आपके बॉटम ऑफ द डेक में थे, तो ये कार्ड मुझे गाइस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन देखो कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा डिप्रेशन में है, शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वो जो प्यार मोहब्बत वाली बातें थी वो शायद इस समय नहीं हो पाई हैं, कुछ ऐसा टाइम आपकी लाइफ में इस समय थोड़ा चला है जिस वजह से आप दोनों का जो कनेक्शन है थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो गया है। तो ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा से आ रहे हैं गाइस, एक प्यारा सा एक कमिटमेंट लेके, प्यारा सा एक वादा लेके कि अब हमारा रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहेगा, आगे बढ़ेगा। सो गाइस चलिए कुछ चैनल मैसेज ले लेते हैं आपके लिए कि ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बताइए डिवाइन, इन पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है, क्या ये मेरे व्यूवर से कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये तीन कार्ड आए हैं गाइस आपके लिए। आई मिस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करना गाइस मिस कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ जैसे मैंने आपसे कहा ना, आप पे ट्रस्ट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ में इन्हें बात करके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है क्योंकि आपके साथ में ये अपने दिल की सारी बातें कह सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपसे बात करना कहीं ना कहीं मिस भी कर रहे हैं, डोंट गिव अप गाइस, गिव अप नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट आ गए हैं जिस वजह से आप इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ अगर नेगेटिव फील लेके आ रहे हैं या पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाइस ऐसा आपको नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। लेट जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में आप अपनी बातें क्लियर कर सकते हैं, क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि गाइज इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक हार्ड टाइम देखा है क्योंकि इनका जो भरोसा है वो टूटा है, लोगों ने इनको चीट किया है, ठीक है। जिन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया वो उस पर्सन ने इनको चीट करके, इनके साथ में गलत करके, इनके जैसे कहते ना एक दिमाग से सुकून ही इनके जैसे उड़ा दिया है। तो ये एक दूसरे के साथ में हो सकता है आपके साथ में अपनी बातें अभी शायद खुल के ना कह पा रहे हो, या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपसे छुपाई हैं, तो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम मेरे मेरी लाइफ में जो भी हुआ है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आप भी अपनी बातें क्लियरली बता दीजिए या जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई है उसे क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। आई हाइड माई ट्रू डिज़ायर फॉर यू, उन्होंने अपनी जो भी उनकी डिज़ायर है गाइज शायद अगर आपसे छुपाई हैं तो वो बताना चाह रहे हैं कि ठीक है मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ एक्चुअल में, शायद आप इस चीज़ को नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं कि आप इनके लिए क्या हो, तो ये आपको ये बताना भी चाहते हैं गाइज, ठीक है। तो आप किससे कह रहे हैं, ऑनेस्ट होते हैं एक दूसरे के लिए, सपोर्टिव होते हैं, वी आर मिसिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो गाइज, ठीक है। तो वो भी आपको मिस कर रहे हो और आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, ये बात यहाँ पे ट्रू है गाइज कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है डोंट लीव मी प्लीज़, वो आपसे कह रहे हैं आप उन्हें मत छोड़ो गाइज। अगर आपको लग रहा है वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं गाइज, तो ऐसा नहीं है, वो आपको पर्सन चीट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे ट्रस्टेबल पर्सन है गाइज ये, इनको इस तरह से मत अगर आप समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माई प्राइड एंड इन अफेक्टेड दिस कनेक्शन, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ईगो रहा है, कुछ ऐसे आस्पेक्ट रहे हैं लाइफ के, कुछ ऐसा रहा है जिस वजह से शायद ये कनेक्शन भी जो है इफेक्ट हो रहा है गाइज। ओके, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आई विश यूअर माइंड, वो ये विश करते हैं कि आप उनके हमेशा रहो, उनके साथ में रहो, उनके साथ में कनेक्टेड रहो, ठीक है। तो गाइज तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज जो निकल के आए हैं ये आपके पर्सन की तरफ से निकल के आ रहा है, आप ये क्लियरली अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, तो ये पर्सन आपसे ट्रूली लव करते हैं, आपको सपोर्ट, आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये कह रहे हैं प्लीज़ इन्हें छोड़ के मत जाइए, इनके ऊपर ट्रस्ट करिए, ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आपके साथ में हैं और आपके साथ में हमेशा अपना जो कहते हैं ना कनेक्शन वो हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, इस्टेब्लिश रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनके हमेशा रहो, इनको छोड़ के ना जाओ। ओके गाइज, तो ये रीडिंग थी गाइज आज आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गाइज थैंक यू।